इस वीडियो में हम बात करेंगे 1992 की फिल्म काउस के बारे में, जो कहानी है स्पेन में रह रहे दो परिवारों की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी वजह से एक दूसरे से जुड़ते रहे। स्पेन के किसी गांव में मैनुअल नाम का एक जवान लकड़हारा रहता था, जिसने 1875 में स्पेन में हो रही एक जंग में हिस्सा लिया। उसके वहां होने की बात इलेगोरी नाम के लड़के ने कार्मेलो को बताई, जो गांव में मैनुअल के पड़ोस में रहता है। हर कोई जानता था कि मैनुअल सबसे अच्छा लकड़हारा है, पर यह कोई नहीं जानता था कि वो एक डरपोक भी है। कार्मेलो कई महीनों से अपने घर से दूर था, इसलिए जानना चाहता था कि उसके बच्चे का जन्म हुआ है या नहीं, और मैनुअल ने उसे बताया कि उसे एक बेटा हुआ है। अचानक वहां गोलियां चलने लगी और तब कार्मेलो को समझ आया कि मैनुअल डरा हुआ है। जंग लड़ने के लिए मैनुअल को हिम्मत देते हुए कार्मेलो को ही गोली लग गई, और लड़ने के बजाय मैनुअल अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगा। उसने ना तो कार्मेलो को बचाया और ना ही लड़ने की कोशिश की, और जल्द ही उनके बटालियन के लोग मारे गए। दुश्मन सिपाही लाशों को भेड़ बकरियों की तरह ले जाने लगे, और इलेगोरी को पता चला कि मैनुअल मरने का नाटक कर रहा है। किसी तरह मैनुअल अपनी जान बचाकर भागने लगा, और उसे वहां से भागते हुए सिर्फ एक गाय ने देखा। उस दिन के बाद 30 सालों से मैनुअल अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रहा है। वो अपना ज्यादा वक्त पेंटिंग करने में बिताता है, पर वो सिर्फ उन गायों की पेंटिंग करता है जिनकी देखभाल उसकी तीन पोतियां करती हैं, और ये बात उसकी सबसे छोटी पोती क्रिस्टीना और मैनुअल की बहू मैडलीन को अच्छी नहीं लगती। मैडलीन को अपनी गाय की भी फिक्र थी, जो जंगल की ओर भाग गई थी, और इसलिए मैनुअल ने क्रिस्टीना को उसे ढूंढने भेज दिया। गाय का पीछा करते हुए वो अपने पिता इग्नासियो के पास पहुंची, जो बिल्कुल मैनुअल की तरह लकड़हारे का काम करता है। काम करते हुए अचानक इग्नासियो को कोई नजर आया, और उसका पीछा करने पर उसे पता चला कि कैटलीना नाम की लड़की उसे छिपकर देखा करती है। कैटलीना असल में कार्मेलो की बेटी है और अपनी माँ और भाई हुआन के साथ रहती है। हुआन भी अपने पिता की तरह एक लकड़हारा बन गया है और लकड़ी काटने की कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला है। उसी कंपटीशन में इग्नासियो भी हिस्सा लेने वाला है, और इलेगोरी जानता था कि मैनुअल के अतीत की वजह से दोनों पड़ोसी परिवार आज तक एक दूसरे से नफरत करते हैं। कैटलीना इग्नासियो को पसंद करती थी, पर जानती थी कि वो दोनों परिवार कभी एक नहीं हो सकते। कैटलीना ये भी जानती थी कि इग्नासियो हुआन को हरा सकता है, और ये बात साबित करने का दिन जल्द ही आ गया। लकड़ी काटने का कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, और उन दोनों पर सट्टा लगवाने का काम इलेगोरी का बेटा लूकस करने लगा। गांव का हर इंसान जानता था कि इग्नासियो जीत सकता है, और इग्नासियो ने जीत कर ये बात साबित कर दी कि वो हुआन से बेहतर है। इग्नासियो अब भी दोनों परिवारों को जोड़ना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। मैनुअल क्रिस्टीना के साथ एक पुतला बना रहा था, और उस वक्त उसकी बहन ने बताया कि इग्नासियो एक घोड़ा और गाय खरीद कर लाया है। इस सब के बीच फिर से कैटलीना और इग्नासियो एक दूसरे को देख रहे थे और आने वाले तूफान के लिए तैयार थे। कैटलीना की माँ पॉलिना समझ गई कि उसकी बेटी इग्नासियो से प्यार करती है, इसलिए वो उसे होश में आने की सलाह देने लगी, क्योंकि उन दोनों के एक होने से दोनों परिवार बर्बाद हो सकते हैं। पर कैटलीना उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। हुआन अब भी सिर्फ इग्नासियो को हराने की कोशिश में लगा था, और इस कोशिश में उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। जब उसे लेने कैटलीना जंगल की ओर गई, तो इग्नासियो उसके सामने आ गया, और उस दिन उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद इग्नासियो की नई गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, और इसी नई शुरुआत के साथ देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। कैटलीना का बेटा पेरू अब उस परिवार का हिस्सा बन गया था, और हर कोई जानता था कि वो इग्नासियो और कैटलीना का नाजायज बेटा है। हुआन इस बात से परेशान था कि पेरू उसकी इज्जत नहीं करता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मैनुअल के परिवार की ओर खींचा जा रहा था। पेरू और क्रिस्टीना एक दूसरे के करीब थे और मैनुअल के साथ वक्त बिताया करते थे। इग्नासियो अब स्पेन के अलग अलग इलाकों में कंपटीशन के लिए जाने लगा, और जब वो कंपटीशन जीतकर घर लौट कर आया तो मैडलीन के अलावा हर कोई खुश हुआ। इग्नासियो अब बहुत मशहूर हो गया था, और वो अपनी सफलता में इतना खो गया था कि वो मैडलीन पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक तरफ जहां मैनुअल अपनी नजरों से दुनिया को देखने में गुम था, तो वही पेरू और इलेगोरी का बेटा लूकस क्रिस्टीना को देखने में गुम थे। इग्नासियो और कैटलीना का अफेयर अब भी जारी था, और पेरू ये बात जानता था। कैटलीना अपने भाई हुआन से डरने लगी थी और चाहती थी कि इग्नासियो जल्द से जल्द उसे और पेरू को उस गांव से दूर ले जाए। हुआन कैटलीना का भाई होने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था, और अब उसके पागलपन को काबू में लाना कैटलीना के लिए मुश्किल साबित होने लगा।
मैनुएल अपने परिवार के साथ एक तस्वीर चाहता था, पर ये कोई नहीं जानता था कि तस्वीर लेने का काम कौन करेगा। उस वक्त इस काम के लिए पेरू वहां आया, पर पेरू की ही वजह से मैडलीन इग्नासियो से दूर हो रही थी। धीरे धीरे पेरू, मैनुएल और क्रिस्टीना का रिश्ता गहरा होता जा रहा था, और वो दोनों बच्चे मैनुएल की अजीबोगरीब हरकतों का हिस्सा बनने लगे थे। मैनुएल का कहना था कि उनकी गाय जल्द ही मरने वाली है और मौत के बाद वो इसी धरती में समा जाएगी। ये बातें पेरू को अजीब लगी, पर जल्द ही उसका ध्यान इन बातों से हटकर क्रिस्टीना पर आ गया। मैनुएल के कहने पर क्रिस्टीना और पेरू जहरीले मशरूम ढूंढने जंगल की ओर गए, और अपनी गाय की तकलीफ खत्म करने के लिए मैनुएल ने उसे वो जहर दे दिया। जब ये बात मैडलीन को पता चली तो उसने मैनुएल को पागल कहकर पीटना शुरू कर दिया, पर क्रिस्टीना ने उसे समझाया कि ये सब कुछ उस गाय को तकलीफ से मुक्त करने के लिए किया गया था। एक तरफ पेरू अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आई, तो दूसरी ओर क्रिस्टीना मैनुएल से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसने और उसकी माँ ने उन्हें पागल कहा था। मगर मैनुएल का कहना था कि वो सच में पागल हो चुका है और अब इस दुनिया से अलग बन चुका है। कैटलीना पेरू को कहीं नहीं मिली और वो सोचने लगा कि हुआन ने कैटलीना का कत्ल कर दिया है। यही बात वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगा। गुस्से में हुआन उसका पीछा करने लगा और जंगल के बीचों बीच पेरू को खून नजर आया। गुस्से में हुआन कहने लगा कि वो खून कैटलीना का ही है, पर वो खून उसका नहीं, मैनुएल की गाय का था, जिसके शरीर को जलाना जरूरी था। जल्द ही वहाँ एलेगोरी आ गया, जो पेरू को अपने साथ कैटलीना के पास ले जाने लगा। जाते हुए पेरू ने क्रिस्टीना से चिट्ठी लिखने का वादा किया और अपने माता पिता के साथ वो अमेरिका चला गया। सालों तक चिट्ठियों के जरिए क्रिस्टीना को पेरू की खबर मिलती रही और उसे पता चला कि पेरू एक जर्नलिस्ट बन गया है। क्रिस्टीना ने उसे बताया कि हुआन अब अकेला हो चुका है, और जब क्रिस्टीना को पता चला कि पेरू ने शादी कर ली है तो उसने भी लूकस के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की। कई साल गुजर गए और स्पेन में सिविल वॉर शुरू हुआ। क्रिस्टीना अब इस जंगल से तंग आ चुकी थी और उस गांव से हमेशा के लिए निकलना चाहती थी। हुआन भी घर छोड़कर वॉर का हिस्सा बन गया था, इसलिए अब उसका घर खाली हो चुका था। मगर एक दिन जंगल में काम करते हुए क्रिस्टीना के सामने वो आदमी आया जो बिल्कुल उसके पिता की तरह दिखता है। वो आदमी पेरू था, जो काम के सिलसिले में गांव लौट कर आया है। उसके आने से क्रिस्टीना बहुत खुश हुई, पर उसने बताया कि मैनुएल की मौत हो चुकी है और अब घर में सिर्फ उसकी पेंटिंग्स बची है। सालों बाद एक दूसरे से बातें करने पर पेरू और क्रिस्टीना को खुशी मिल रही थी, और इन्हीं बातों के बीच पेरू ने बताया कि वो हर रोज क्रिस्टीना के बारे में सोचता था। कुछ देर बाद मैडलीन वहाँ आई और पेरू को देखकर हैरान हो गई। वो अपने पति के जाने से दुखी तो थी, पर उसने पेरू को इसका जिम्मेदार कभी नहीं माना। पेरू अब उसी घर में रहने लगा, और देर रात जब उसने क्रिस्टीना को जंगल की ओर जाते देखा तो घर में पड़ी तस्वीरें देखने लगा। अगली सुबह क्रिस्टीना ने बताया कि वॉर का असर गांव में पड़ा है और कई गांव वाले उस इलाके में छुपने आए हैं। उन गांव वालों को देखते हुए पेरू की मुलाकात एलेगोरी से हुई। बातें करते हुए अचानक उन सबको खबर मिली कि दुश्मन सिपाही गांव में घुस आए हैं, और ये सुनते ही मैडलीन सारी औरतों और बच्चों को अपने घर में छुपाने लगी। सारे मर्दों को जंगल में छुपने भेज दिया गया। पेरू क्रिस्टीना को लेकर जंगल की ओर जाने लगा और अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सिपाहियों और गांव के मर्दों के बीच गोलीबारी शुरू हुई और एक एक करके गांव के मर्द मारे जा रहे थे। इस बीच पेरू जर्नलिस्ट के नाते तस्वीरें ले रहा था। काम करते हुए अचानक पेरू और क्रिस्टीना अपने प्यार का इजहार करने लगे, पर फिर लूकस मारा गया और डर के मारे क्रिस्टीना दौड़ने लगी। किसी तरह पेरू ने उसे संभाल लिया और वादा किया कि वो उसे इस सब से बाहर निकालेगा, पर क्रिस्टीना बेहोश हो गई। कुछ सिपाही पेरू के सामने आए और पेरू उन्हें समझाने लगा कि वो सिर्फ एक अमेरिकन फोटोग्राफर है। बेहोश क्रिस्टीना को वहीं छोड़कर पेरू को सिपाहियों के साथ जाना पड़ गया और वो अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखता रहा। कोई भी पेरू की बात सुनने को तैयार नहीं था, पर उसे घबराते देख वो सब उस पर हंसने लगे। वो सिपाही कहने लगे कि वो लोग अमेरिकन से नफरत करते हैं और इसलिए वो उसे गिरफ्तार करके ले जाने लगे। पेरू ने उस वक्त अपने मामा हुआन को देखा, जो उसी सेना का हिस्सा था। पहले तो हुआन ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, पर जैसे ही दूसरे मर्दों के साथ पेरू को मारने की तैयारी की गई, हुआन ने उसे बचा लिया और सिपाहियों से कह दिया कि वो उसका भांजा है। पेरू जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ और जल्द से जल्द क्रिस्टीना के पास चला गया। क्रिस्टीना अब होश में आ गई थी और उसने बताया कि उसे उसके दादा मैनुएल नजर आए थे। ये कहकर वो पेरू को अपने साथ ले गई और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हुए वो दोनों हमेशा के लिए गांव छोड़कर फ्रांस में रहने चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।